हेलो व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एकेडमी में। आज हम आईटीआई फीटर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मार्किंग पूल टॉपिक से है, और इसके अगला जो वीडियो हम डालेंगे वो फिर से सेट टू डालेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो सेट वन हम इससे पहले डाले थे। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो, और रेड कलर का जो बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, और इस सेट में हमने मार्किंग टूल से 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यू टाइप्स। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है स्टील रूल बनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्टील रूल किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टील रूल का अल्पत्व माप कितना होता है, यानी स्टील रूल का जो सबसे छोटी माप लेते हैं वो, जिसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, वो कितना होता है। हम सभी जानते हैं कि स्टील रूल से हम 0.5 mm का माप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मार्किंग औजारों से कौन सा कार्य किया जाता है। तो सिंपल सा है कि मार्किंग औजार मतलब हुआ कि ऐसी टूल्स जिसके सहायता से हम मार्किंग कर सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिलिंग तो होगा नहीं, थ्रेडिंग होगा नहीं, ग्राइंडिंग होगा नहीं, क्योंकि स्क्राइबर मार्किंग टूल्स है, इसलिए इससे मार्किंग का काम होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सरफेस गेज किस प्रकार का औजार है। तो सरफेस गेज हम लोग सभी को देखे हैं, इसमें एक बेस होती है, एक कॉलम होता है, उसमें स्क्राइबर लगे होते हैं, जो खासकर लेफ्ट मशीन पर जॉब को सेंटर में करने के लिए या किसी हाइट में समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सरफेस गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन डी मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच किस प्रकार के धातु से बनाया जाता है। तो ये हम सभी को पता है कि जितने भी मार्किंग टूल्स एवं कटिंग टूल्स होते हैं जिसमें ज्यादा झटका लगता है, ज्यादा घिसने का काम होता है, तो ये सारे जितने भी टूल्स हैं जनरली हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच का साइज लिया जाता है। तो पंच का साइज उसके पॉइंट से लेके उसका जो हेड होता है उसके बीच की लंबाई से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लंबाई से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सभी हम लोग जानते हैं कि एक इंच में 25.4 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट पंच का पॉइंट कितने कोण पर बनाया जाता है, मतलब कि जो डॉट पंच का एंगल होती है सेंटर लाइन से वो कितने डिग्री का होता है। तो हम सभी को जानते हैं कि डॉट पंच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 90 डिग्री का प्रयोग होता है सेंटर पंच, जिससे किसी होल के सुराख प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। 45 डिग्री का कोई पंच नहीं होता है, और 30 डिग्री का होता है परिक पंच में, जिसका प्रयोग हम लोग पतले सीट पे पंचिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग टेबल किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्किंग टेबल हम लोग बोलते हैं एक डेस्क के आकार का होता है जो स्क्वायर में बना होता है, उसकी हाइट लगभग 1 मीटर ऊंचाई में होती है, जिसके ऊपर हम लोग सरफेस प्लेट को रख करके उस पर वर्नियर हाइट गेज या एंगल प्लेट या स्क्राइबर आदि वगैरह का प्रयोग करके हम मार्किंग करने का काम करते हैं, इसलिए टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मार्किंग करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेमल किस प्रकार का औजार। तो सबसे पहले ट्रेमल हम जानते हैं, इससे पहले जानते हैं कि कंपास दो साइज के आते हैं, 90 mm साइज व्यास के और 150 mm व्यास के। तो जब हम किसी जॉब पे मार्किंग करते हैं, मतलब सर्कल लगाते हैं, तो इससे बड़े व्यास का अगर हमको कोई सर्कल लगाना हो उसके लिए हम एक साधन यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रेमल। तो ट्रेमल में एक बीम होते हैं और उसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, जिसके अनुसार 150 mm से ज्यादा व्यास वाले सर्कल हम आराम से मार सकते हैं। तो इसलिए ट्रेवल का प्रयोग किया जाता है मार्किंग करने के लिए। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेंटर पंच का प्रयोग किस प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है। तो अभी सेंटर पंच हम जानते हैं कि सेंटर पंच का प्रयोग जब जॉब के ऊपर होल करना होता है, कोई सुराख बनाना होता है ड्रिलिंग के सहायता से, तो ड्रिलिंग करने से पहले सर्कल के सेंटर पे जो पंच से पंचिंग की जाती है वो सेंटर पंच के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सुराख किया करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्वों की उपस्थिति से आग जलती है। हम जानते हैं कि आग लगने के लिए तीन तत्व का होना जरूरी है। पहला ताप यानी कि गर्मी उष्मा, दूसरा ईंधन यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, और तीसरा ऑक्सीजन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों जरूरी है। और टॉपिक में पढ़े होंगे फायर ट्रायंगुलर का एक शेप भी देखेंगे जिसमें इसका चार्ट आसानी से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट की सतह निम्न में से डिग्री पर बनाया जाता है। तो एंगल प्लेट सभी को जानते हैं कि किसी जॉब को समकोण में सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका शेप कुछ इस तरह का होता है, और इसके दोनों फेस को यहां 90 डिग्री पे बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से होता है, यानी हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल पढ़े थे जिसमें श्रिंक रूल के बारे में पढ़े होंगे। तो श्रिंक रूल का जो है जनरली प्रयोग गर्म धातु के साइज को मापने के लिए किया जाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं गर्म धातु जो होती है वो ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है, इसलिए श्रिंक रूल का साइज वास्तविक साइज से बड़ा रखा जाता है जिससे जॉब सिकुड़ने के बाद उस एक्यूरेट साइज में आ जाए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रिंक रूल अपने वास्तविक साइज से बड़ा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस या तरल पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं पानी से लगी आग को बुझाने के लिए किसमें आती है, क्लास ए जो लकड़ी से जो आग लगती है, दूसरा है सीटीसी एक्सटिंग्विशर क्लास बी की आग को बुझाने के लिए आती है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों में आग लगती है, और गैस या तरल पदार्थ जो क्लास बी के आग है उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर के एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्राई पाउडर के एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का साइज कहां से लिया जाता है। हम सभी जानते हैं ट्राई स्क्वायर इस आकार की होती है जो नीचे का स्टॉक और ऊपर का ब्लेड होता है, हमेशा इसके अंदरूनी भाग से लेकर इसके अंतिम सिरा तक ब्लेड से ली जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्लेड के कार्यकारी लंबाई से, आंसर हो जाएगा बी, ब्लेड के कार्यकारी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़ा स्क्राइबर का सिरा कितना डिग्री का होता है। स्क्राइबर दो प्रकार के पड़े, एक स्ट्रेट और एक बैंड। तो जो बैंड स्क्राइबर होती है वो 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर का पॉइंट होता है, मतलब स्क्राइबर के जो शंकुआकार शेप के बनाए जाते हैं ये रखा जाता है 12 से 15 डिग्री। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 से 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग का कार्य द्वारा अस्थाई संपन्न किया जाता है, मतलब जब हम मार्किंग का कार्य अनेकों हजार से कर लेते हैं तो बाद में उस कार्य को पक्का किसके द्वारा किया जाता है। तो सभी जानते हैं कि मार्किंग किए हुए काम को पंच के द्वारा पक्का किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पंच के द्वारा। तो आज का ये 20 सेट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है।